कैसे हो प्यारे दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक अमेरिकन कॉमेडी ड्रामा मूवी को जिसका नाम येस गॉड येस है। दोस्तों, अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं, तो आप ये वीडियो ना देखें, क्योंकि इसमें ऐसी बातें बताई गई है जो आपके लिए ठीक ना हो। मूवी की शुरुआत एक एलिस नाम की लड़की से होती है जो कि एक स्टिक कैथोलिक स्कूल में पढ़ती है। एलिस एक बहुत ही इनोसेंट लड़की थी जिसमें सब चीजों के बारे में जानने की क्यूरोसिटी कूट कूट कर भरी थी। स्कूल में सेक्स एजुकेशन की क्लास होती है जिसमें हम लोग मर्फी नाम के एक टीचर से मिलते हैं जो कहता कि शादी से पहले सेक्स करना गलत है। भगवान ने सेक्स एक पर्पस के लिए बनाया जो कि हमारे जनरेशन को आगे बढ़ाना, यानी कि बच्चा पैदा करना, और इसे सिर्फ शादी के बाद ही करना चाहिए। तभी एक स्टूडेंट मास्टरबेशन के बारे में पूछता है। मर्फी कहता है कि क्या तुम इससे बच्चा पैदा कर सकते हो। एक लड़की जवाब देती है नो। मर्फी कहता है कि एक से ज्यादा शादी करना या शादी से पहले किसी प्रकार का सेक्स या मास्टरबेशन गॉड के प्लान के खिलाफ है। याद रखना, गॉड हमेशा तुम्हें देख रहा है। क्लास के बाद एलिस की बेस्ट फ्रेंड लॉरा उसके पास आती है और कहती कि मैं स्कूल के रूल्स को मानते हुए तंग आ गई। एलिस कहती है कि तुम्हें पता था कि मास्टरबेशन एक पाप है। लॉरा कहती है हाँ बिल्कुल है, और तुम जो टाइटैनिक मूवी के बोल्ड सीन को बार बार रिवाइंड करके देखती हो वो भी एक पाप है। एलिस कहती मुझे ऐसा नहीं लगता। स्कूल खत्म होने के बाद एलिस घर आती है और कंप्यूटर में AOL चैट खोलकर कुछ गेम्स खेलती है। दोस्तों, AOL एक मैसेंजर चैट है जिसे लोग फेसबुक से पहले यूज करते थे। तभी इसके पास हैरी चेस्ट नाम के एक यूजर नेम से पर्सनल चैट आती है जो अपने बीवी के साथ सेक्स के दौरान ली गई कुछ एडल्ट फोटोज एलिस को भेजता है। एलिस इसे देखते ही एकदम से कंप्यूटर स्क्रीन बंद कर देती है, लेकिन फिर उसे देखने की इच्छा होती है। तभी उस आदमी का एक मैसेज आता है जिसका मीनिंग एलिस को नहीं पता था। वो उससे इसका मीनिंग पूछती है तो वो आदमी लिखता है एज, सेक्स और लोकेशन। एलिस थोड़ा सोचती और जवाब देती है। एलिस उसे जवाब देती है। फिर वो आदमी एलिस से उसकी फोटो मांगता है तो एलिस उसे अपनी फ्रेंड की फोटो भेज देती है। बाद में रिप्लाई करता है तुम काफी सुंदर हो। फिर वो उसके साथ सेक्स चैट करने लगता है। एलिस को काफी सारी चीजों के मीनिंग नहीं पता थी। वो पूछता है कि क्या कभी तुमने खुद को टच किया है। फिर वो आदमी एलिस को एक और अडल्ट फोटो भेजता है और वो अपने स्कर्ट में हाथ डालती है और उसे थोड़ा अजीब महसूस होता है। तभी अचानक उसकी माँ की आवाज आती है तो वो कंप्यूटर बंद करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में लंच के दौरान बेथ नाम की लड़की एलिस के पास आती है और कहती है कि मैं बिलीव नहीं कर सकती कि तुमने लॉरा की पार्टी में वेट के साथ सिलेट टॉस किया है। लॉरा भी ये सुनकर शॉक हो जाती है और पूछती है कि क्या तुमने सच में मेरी पार्टी में वेट के साथ सिलेट टॉस किया है। एलिस कहती है कि मुझे तो उसका मीनिंग भी नहीं पता। बेथ कहती है कि पूरे स्कूल में ये बात फैल गई है और वेट की गर्लफ्रेंड हैदर इससे काफी अपसेट है। लॉरा कहती है कि वो सब छोड़ो, लेकिन तुम मेरी पार्टी में आई क्यों नहीं। बेथ कहती लास्ट वीकेंड में स्कूल की तरफ से एक ट्रिप पर गई हुई थी जो कि काफी कमाल की थी। उसके बाद मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई और तुम्हें भी वहाँ जाना चाहिए। ये कहकर वो चली जाती है। इसके बाद एलिस एक चॉकलेट रैपर निकालकर उसे चाटने लगती है, जिसे देखकर कुछ लड़के हंसने लगते हैं। एलिस उन्हें घूरने लगती और उठकर चली जाती है, मगर तभी उसके सामने वेट और हैदर आते और जो कि काफी गुस्से से उसे देख रहे होते हैं और कहते हैं डिस्कस्टिंग। एलिस उस AOL चैट के बाद गिल्टी फील कर रही थी, इसलिए वो लॉरा के साथ ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद एक लड़के को देखकर एलिस पूछती है ये कौन है। लॉरा कहती है ये स्कूल के फुटबॉल टीम का कैप्टन क्रिस है। एलिस उसके मैनली फिगर को देखते ही उस पर फिदा हो जाती है। तभी नीना नाम की एक लड़की उनके पास आती और उन्हें उनका रूम दिखाती है और कहती है कि यहाँ फोन और घड़ी अलाउड नहीं है। एलिस अपनी घड़ी देती मगर फोन को बैग में छुपा देती है। फिर वह हॉल में जाती है और वहाँ पर मर्फी सबको छोटी छोटी ग्रुप में बांट देता है। एलिस का ग्रुप लीडर क्रिस था और उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। सब कुछ सेटल होने के बाद मर्फी कहता है कि तुम्हें यहाँ भगवान ने बुलाया है और ये ट्रिप आप सबकी लाइफ में एक यूनिक एक्सपीरियंस देने वाली है और गॉड के साथ तुम्हारा रिलेशन और मजबूत होगा। वो सबको एक फॉर्म देता है जिसमें कुछ फीलिंग्स लिखी होते हैं। मर्फी कहता है कि मैं चाहता हूँ आप लोग लास्ट ईयर से लेकर
अभी तक जो जो फीलिंग्स को महसूस किए हैं उसके ऊपर सर्कल बना दे। एलिस फॉर्म भरना शुरू करती है, टर्न ऑन के ऊपर सर्किल कर देती है और बाद में उसे इरेज कर देती है, लेकिन वो इरेज नहीं होता और टाइम अप हो जाता है। टर्न को पेंसिल से काट देती है और फॉर्म को सबमिट कर देती है। इसके बाद नीना एक स्पीच देती और कहती है कि उसकी पूरी फैमिली उसे इग्नोर करती है, मगर यहाँ आने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि वो अकेली नहीं है, गॉड उसके साथ है, और तभी उसे मन की शांति मिली। ये सुनने के बाद वहाँ बैठे सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं। रात को एलिस अपने फोन में गेम खेल रही थी, तभी उसका फोन वाइब्रेट करता है। वो कुछ देर तक सोचने लगती और फिर अपने फोन को अपने लेग्स के अंदर डालती है। उसे बहुत ज्यादा अजीब महसूस होता है। अगले दिन सब जंगल में कुछ कुछ लेने जाते हैं और एलिस सिर्फ क्रिस को ही देख रही थी, तभी एक लड़की गिर जाती और क्रिस उसे संभाल लेता है। यह देख के एलिस के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो भी गिरने का नाटक करती है। क्रिस उसके पास आता है और उसे उठाकर नर्स के पास ले जाता है। एलिस को बहुत ही अच्छा फील होता और वो एंजॉय करने लगती है। कहानी में आगे हम लोग देखते कि एलिस अपने कमरे में थी और नीना उससे कुछ बात करने आती, मगर तभी एलिस का फोन वाइब्रेट होता है। नीना देख लेती और बोलती कि तुमने मुझे झूठ बोला है, और वो सीधा जाकर ये बात मर्फी को बता देती है। मर्फी एलिस को बुलाता है और कहता है कि यहाँ कुछ हासिल करने के लिए हमने ये कुछ रूल्स बनाए हैं और तुमने इसे तोड़ा है, और मुझे इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट देना होगा, तो तुम्हें अभी से पूरे कैंप को क्लीन करना होगा। एलिस कैंप क्लीन करने में लग जाती और उसे मर्फी के रूम में कंप्यूटर दिखता है। वो कंप्यूटर में AOL चैट खोलकर पूछती है कि सेलेक्टोस क्या होता है, लेकिन सब लोग उसे अलग अलग जवाब देते हैं। फिर वो स्क्रीन को ऑफ करके चली जाती है, मगर कंप्यूटर को ऑफ करना भूल जाती है। उसी रात मर्फी सारे स्टूडेंट को बिठाता है और सबके सामने उनके घर से आए हुए लेटर को पढ़ता है, जिसे सुनकर सब इमोशनल हो जाते हैं। अगले दिन क्रिस एलिस के साथ तीन और स्टूडेंट को बुलाता और कहता कि सबके मन में कुछ न कुछ गिल्ट होता है और मैं चाहता हूँ कि आज तुम वो सब बाहर निकाल दो और इससे तुम्हें मन की शांति मिलेगी। सब लोग अपने अपने गिल्ट बोलते हैं, जिससे एक लड़का कहता है कि लास्ट वीक मेरा ब्रेकअप हुआ है और मुझे ऐसा दिखाना पड़ा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अंदर से मैं टूट गया हूँ। एक लड़की कहती है कि मेरी दादी माँ की डेथ हो गई और मैं उन्हें आखिरी बार देख भी नहीं पाई। फिर एलिस की बारी आती है, लेकिन उसके पास बताने के लिए कोई स्टोरी नहीं होती। वो झूठ बोलती है कि कुछ दिन पहले उसके डॉग की मौत हो गई थी, मगर बाद में उन्हें पता चला कि उनके पड़ोसी ने उसे जहर देकर मार दिया था। ये सुनकर एक लड़की जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद सब खाना खाते हैं और तभी मर्फी वहां आकर कहता है कि किसने मेरे कंप्यूटर में AOL चैट खोलकर एडल चैट किया है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता है। मर्फी कहता है कि मैं ये तो नहीं जान सकता कि किसने किया है, मगर याद रखना गॉड सब कुछ देख रहा है। एलिस डर जाती है, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताती। इसके बाद मर्फी एलिस को बुलाकर पूछता है कि गॉड के साथ तुम्हारा रिलेशन कैसा है। एलिस कहती अच्छा है। मर्फी पूछता है फिर तुमने फोन में टर्न क्यों भरा था। एलिस कहती है कि ये मैं बहुत दिन पहले फील कर रही थी। मर्फी पूछता है क्या तुम अभी भी ये फील करती हो। वो कहती नहीं। इसके बाद एलिस कैंप साफ कर रही होती है, तभी वेट वहां पर आता है और कचरा नीचे फेंक देता है। एलिस पूछती है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। वेट कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा ब्रेकअप हो गया है। एलिस कहती है मैंने क्या किया, बल्कि मेरा नाम खराब हुआ है, मुझे तो उस वर्ड का मतलब भी नहीं पता। हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था, मगर टीचर से लेकर स्टूडेंट तक सब मुझे बेड गर्ल समझते हैं। तभी मर्फी वहां पर आता है और वेट को अपने साथ ले जाता है। उनके जाने के बाद एलिस कचरा साफ करने लगती है, तभी उसे नीचे एक बेंड मिलती है जिसमें वेट का नाम लिखा था, और वो उसे अपने पास रख लेती है। एलिस किचन साफ कर रही होती है, तभी वो खिड़की से ऐसा नजारा देखती है जिसे देख उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। वो देखती है कि नीना एक लड़के को किस कर रही है, और इतना ही नहीं उसे ब्लोजॉब भी देती है। यह देख के एलिस शॉक हो जाती है। वो तुरंत ये बात जाकर लौरा को बताती है, मगर लौरा उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और कहती कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम नीना के बारे में इतनी झूठी अफवाह फैला रही हो, और मुझे बताओ कि तुम्हारा कुत्ता कब मरा था।
एलिस कहती हैं कि वहाँ सबके पास कुछ ना कुछ स्टोरी थी, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मेरे मुंह में जो भी आया मैंने कह दिया। लॉरा कहती है, तुम झूठी हो, और मुझे ये भी लगता है कि पक्का तुमने ही टीचर के कंप्यूटर से एडल चैट किया है। एलिस कहती है, मेरा यकीन करो, ये सब सच नहीं है। लेकिन लॉरा वहाँ से चली जाती है और एलिस उदास हो जाती है। इसके बाद जब एलिस किचन साफ कर रही थी, तब उसे एक आइडिया आता है और वो वेट का बैंड लेकर मर्फी के कंप्यूटर के पास रख देती है। तभी मर्फी वहाँ पर आता है और एलिस पीछे छुप जाती है। मर्फी अपना कंप्यूटर खोलकर एक अडल्ट वीडियो प्ले करके मास्टरबेट करने लगता है। एलिस इसे देखकर अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पाती और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगले सीन में क्रिस एलिस से मिलता है और उसका उदास चेहरा देखकर पूछता है कि तुम उदास क्यों हो। वो दोनों एक टेबल के ऊपर बैठते हैं, मगर अचानक से एलिस उसे किस करने लगती है। क्रिस भी उसे किस करता है, मगर वो खुद को संभाल लेता है। वो उसे दूर हटा के कहता है कि तुम क्या कर रही हो, ये गौर के प्लान के खिलाफ है, और वहाँ से भाग जाता है। एलिस बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। रात को जब सब प्रेयर्स कर रहे होते हैं, तब एलिस चुपके से वहाँ से निकल जाती है और पास के एक बार में जाती है। वहाँ वो बार के ओनर गिना से मिलती है, जो उसका उदास चेहरा देखकर पूछती है, क्या हुआ। एलिस कहती है, ऐसा क्यों होता है कि लोग जो होते हैं वो दिखाते नहीं, एक फेक इमेज बनाकर चलते हैं। गिना कहती है कि ये आजकल सबकी प्रॉब्लम है। एलिस कहती है कि मैं छोटी छोटी गलतियां करने से डरती हूँ। गिना कहती है कि मैं भी बचपन में एक स्ट्रिक्ट कैथोलिक स्कूल में पढ़ती थी और मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रही हो। फिर दोनों कुछ और बातें करते और एलिस को थोड़ा अच्छा महसूस होता है। फिर गिना कहती है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। एलिस जाते समय पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि सिलेट टॉस का मतलब क्या है। यह सुन के गिना हंसने लगती है और कहती है, इसका मतलब है लीक इन समवन बट होल। एलिस हैरान हो जाती है और हंसने लगती है और रूम में वापस आ जाती है। अगले दिन सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तब मर्फी आकर वेट को अपने साथ ले जाता है। तभी लॉरा एलिस के पास आती और कहती है कि सॉरी, मुझे लगा था कि तुमने टीचर के कंप्यूटर से एडल चैट किया था, मगर सच तो ये है कि वो सब वेट ने किया था, उसका बैंड कंप्यूटर के पास मिला, प्लीज मुझे माफ कर दो। एलिस कहती है, कोई बात नहीं। लॉरा कहती है कि तुम्हें यह बात पता है कि वेट एक गे है। एलिस कहती है, लेकिन उसकी तो एक गर्लफ्रेंड है। लॉरा कहती है, लेकिन उसने आज तक उसे एक किस भी नहीं किया, और ये बात को छुपाने के लिए उसने तुम्हारे बारे में सिलेट टॉस की अफवाह फैलाई थी। कभी वेट वापस आता और सबके सामने कहता कि प्लीज गॉड, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो। तभी मर्फी कहता है कि तुम में से किसी को कुछ कहना है तो यहाँ आकर कह सकते हो। अब एलिस में हिम्मत आ गई थी तो वो सबके सामने जाती है। वो कहती है कि यहाँ सब लोग बातें तो बना लेते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो कुछ भी तुम सुनते हो वो सब सच है। दुख होता है जब कोई तुम्हारे बारे में झूठी अफवाह फैलाता है और आप खुद को अकेला महसूस करने लग जाते हो। यहाँ सबके पास सीक्रेट है, क्या बिगड़ जाएगा कि आप लोग सबके साथ ऑनेस्ट रहे और सबकी चॉइस को रिस्पेक्ट करे। आखिर गॉड भी तो यही चाहते हैं। ये कहकर वो चली जाती है और पूरा हॉल एकदम से शांत हो जाता है। इसके साथ ये ट्रिप खत्म होती है और सब अपने अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन एलिस अपने स्कूल जाती है और क्रिस उसे देखकर छुप रहा होता है। एलिस उसके पास जाके कहती है कि उसे छुपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लास्ट टाइम हुआ वो आगे नहीं होगा। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? क्रिस बोलता है, क्यों नहीं। फिर वो मर्फी के पास जाती है और अपने गिल्ट शेयर करने लगती है। मर्फी पूछता है कि तुम्हें और कुछ कहना है क्या। वो कहती है कि मुझे एक बात बतानी है, मैंने ट्रिप पर एक वीडियो देखा था जिसमें दो लोग सेक्स कर रहे थे। मर्फी समझ जाता है कि एलिस किस वीडियो की बात कर रही है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि मुझे पता था कि ऐसा वीडियो देखना पाप है, मगर फिर भी मैंने उसे देखा। मर्फी समझ जाता है कि एलिस किस वीडियो की बात कर रही है और कहता है कि मुझे नहीं पता, ये गोड और तुम्हारे बीच की बात है। इसके बाद एलिस खुशी से घर आती है और टाइटेनिक मूवी का सीन देखती है और अपने स्कर्ट में हाथ डालती है, मगर इस बार उसके मन में कोई भी गिल्ट नहीं था। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।